हेलो स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फिफ्थ, सब्जेक्ट SST, लेसन नंबर है आपका 8, द लैंड ऑफ स्नो ग्रीनलैंड। बच्चों, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जो बताया गया है कि वो प्रदेश जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पर लोग किस तरीके से रहते हैं, वहाँ पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसी के बारे में बताया गया। ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड जो है वो बहुत ही लार्जेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड है और वो सिचुएटेड है नॉर्थ पोल रीजन में। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि देखिए, ये आपका दिया हुआ है टुंड्रा रीजन। ये इसमें जो आपका ये एक पिक्चर दी हुई है, इसको आप अपनी बुक से देखेंगे और देखेंगे कि इस सारे क्षेत्र में कितनी ज़्यादा ठंड है और उसके बारे में बताया गया है। अब देखिए, लोकेशन जो है वो हमारा ग्रीनलैंड लाइज इन द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका में मतलब आता है। ठीक है, अब इसका जो एरिया है वो ये एरिया आपका दिया हुआ है इतने किलोमीटर्स का। ठीक है, इसकी जो कैपिटल है वो है नुक्कू। ठीक है, अब यहाँ का है क्लाइमेट और वेजिटेशन। यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, मतलब पूरी जगह सिर्फ ठंड ही ठंड रहती है और सूर्य की जो किरणें हैं वो यहाँ पर काफ़ी, मतलब सूर्य यहाँ से काफ़ी दूर है तो किरणें काफ़ी देर में पहुँच पाती हैं और यहाँ पर मतलब रेनफॉल काफ़ी छोटा होता है, मतलब बहुत कम होती है और समर सीजन में भी यहाँ पर मोस्टली ठंड ही होती है। ठीक है, अब यहाँ के एनिमल्स के बारे में देखिए, ये दिया हुआ है हुकीज़, एट्रिक फॉक्स और सील एंड वॉलरस। ये सारे जो एनिमल्स हैं ये इस ठंड के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं, तो ये लोग वहाँ पर लोगों को काफ़ी हेल्प करते हैं। अच्छा, लाइफ ऑफ द पीपल, अब वहाँ के जो पीपल हैं उनकी क्या लाइफ है, वो लोग इस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपनी आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, और ये लोग क्या करते हैं, मतलब अपने आप को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ के जो मतलब लोग हैं जो वो कहलाते हैं एस्किमोज। ठीक है, और ये लोग बर्फ़ के घर बना के ही उसमें रहते हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशन, वहाँ का ऑक्यूपेशन क्या है, मेन वहाँ का ऑक्यूपेशन हंटर्स मतलब है। वो लोग जैसे फिश हैं, सील हैं, वहाँ पे टोटल बर्फ़ जमी हुई है, मतलब वहाँ पे जो समुद्र है उसके ऊपर भी बर्फ़ जमी हुई है, तो वो वहाँ पर किस तरीके से उनको वहाँ पर प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया स्पीयर्स एंड हार्पून्स टू हंट फिश एंड सील्स। ये दो चीज़ें हैं, इनसे वो हंट करते हैं फिश को और सील को। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पेज पर ये पिक्चर्स दी हुई हैं एस्किमोज। वहाँ पर ये इस तरीके की ड्रेस पहनती है क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, ये हार्पून्स होता है, इससे ये लोग अपना वो करते हैं, जो अभी मैंने आपको यहाँ पेज पे बताया था, ये जी दिया हुआ है, इससे ये इस चीज़ का शिकार करते हैं, मतलब अपने एनिमल्स वगैरह का। ठीक है, फिर यहाँ पर ये देखिए, ये दिया नुक्कू, यहाँ की जो कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ ग्रीनलैंड। ये यहाँ का ये इसका वो है। ठीक है, ये देखिए एयरपोर्ट भी है वहाँ पर, और ये जो एक आप ये गाड़ी देख रहे हैं, ये बर्फ़ पे चलने वाली गाड़ी होती है, इसको बोलते हैं सिक्की-डू। ठीक है बच्चों, इसकी बुक रीडिंग आप लोग अपने आप सेल्फ से करेंगे, मैंने आपको इसकी हिंदी बता दी है। थैंक यू।